इसराइल के हमले में हसन नसरल्ला की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्ला ने अपने नए चीफ की घोषणा कर दी है। हिजबुल्ला का जो डिप्टी लीडर है नईम कासिम, उसे मंगलवार को हिजबुल्ला की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हिजबुल्ला की तरफ से बकायदा एक बयान जारी किया गया है जिसमें नईम कासिम को इस पद के लिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने संगठन के उसूलों का हमेशा पालन किया। यह कहा गया कि उन्हें अपने मिशन पर कामयाबी मिलती रहे। कासिम संगठन में अब तक नंबर 2 की पोजीशन पर था। हसन नसरल्ला की मौत के बाद नईम कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित भी किया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मीडिया हाउस इरेम न्यूज के मुताबिक वो ईरान में समय सुरक्षित रह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नईम कासिम अब जब औपचारिक तौर पर उसे आतंकी संगठन हिजबुल्ला का हेड घोषित कर दिया गया है, कितने समय तक वो जीवित रहेगा, मुसाद कब तक उस तक पहुंचेगा।